हेलो एवरीवन, माय टॉपिक इज़ मेज़रमेंट। मेज़रमेंट इट्स मीनिंग, डेफिनेशन एंड इट्स ओरिजन। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ मेज़रमेंट। जनरली टू मेज़र एंड शो द वेट, हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डेफिनेट यूनिट इज़ मेज़रमेंट। किसी निश्चित इकाई में किसी वस्तु के वजन, ऊंचाई और मात्रा को मापने को मापन कहा जाता है। मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस बाय विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और एक्टिविटी इज अंडरस्टूड ऑन द स्पेसिफिक स्टैंडर्ड एंड इट इज़ डिस्क्राइब्ड इन अ स्टैंडर्ड वर्ड, सिंबल और डेफिनेट यूनिट, दैट इज मेजरमेंट। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू डेफिनेशंस ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिंबल to the dimensions of phenomenon in order to characterize the status of phenomenon as precisely as possible. ब्रेडफील्ड के अनुसार मेज़रमेंट क्या है? ब्रेडफील्ड ने कहा कि मापन किसी मापी जाने वाली वस्तु के गुणों के अंकों को रूप में प्रकट करने की वह प्रक्रिया है जो उस वस्तु की स्थिति को जहाँ तक संभव हो ठीक ठीक अंकित कर सके, उसे मापन कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने भी एक डेफिनेशन दी। थॉर्नडाइक ने कहा, प्रत्येक वस्तु जो जरा सी भी सत्ता रखती है, किसी ना किसी परिभाषा में सत्ता रखती है, और कोई भी वस्तु जिसकी किसी परिमाण में सत्ता है वह मापन के योग्य है। मतलब एनीथिंग दैट एग्जिस्ट एट ऑल exist in some quantity and anything that exists in some quantity is capable of being measured. Now, measurement in education. Educational measurement is the science and practice of obtaining information about characteristics of students such as their knowledge, skill, abilities and interest. उनके एबिलिटीज़, स्किल एंड इंटरेस्ट के ऊपर हम कैसे उनको मेज़र कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन को, उसको हम एजुकेशनल मेज़रमेंट कहते हैं। इसमें आ जाता है कि उनका एनालिसिस कैसे होगा, उनका इवेल्यूएशन कैसे होगा। जैसे कि इसमें दे रखा है पॉइंट, एजुकेशनल मेज़रमेंट इज़ द असाइनिंग ऑफ न्यूमरल टू ट्रेड्स सच एज अचीवमेंट, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, इंटेलिजेंस, परफॉर्मेंस। न्यूमरल से ट्रेड्स की तरफ कैसे पढ़ते हैं, ये होते हैं उनके अचीवमेंट पर, इंटरेस्ट पर, एटीट्यूड्स पर और इंडिविजुअल इंटेलिजेंट परफॉर्मेंस पे। दिस इज़ मेज़रमेंट इन एजुकेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेज़रमेंट्स। सबसे पहला है प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिंबल्स, कि कैसे हम सिंबल को असाइन कर रहे हैं, इसकी प्रोसेस को मेज़रमेंट कहा जाता है। दूसरा है प्रोसेस ऑफ क्वांटिफिकेशन। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ क्वांटिफिकेशन। इन प्रोसेस ऑफ मेज़रमेंट न्यूमरल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटीज टू द एट्रीब्यूट्स। थर्ड है यूनिट्स आर नॉट डेफिनेट। यूनिट्स डेफिनेट नहीं है, ये डिपेंड करता है उनकी साइकोलॉजी पे और उनकी एजुकेशनल टेस्ट पे। तो हम उसको मेज़रमेंट की यूनिट को हम डेफिनेट नहीं बोल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है सेंस ऑफ इन्फिनिटी। मेज़रमेंट इज बिहेवियरल साइंस, कन्वेज अ सेंस ऑफ इन्फिनिटी। इट मीन्स वी कैन नॉट मेज़र द होल ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ इंडिविजुअल। मतलब कि हम किसी भी इंसान का हम पूरा मेज़रमेंट नहीं कर सकते हैं एक ही सेंस में। हमें उसके साइकोलॉजी को समझने के लिए उसके बिहेवियर में चेंज देखना पड़ेगा। अगर हमें उसकी हाइट को नापना है तो हम उसको एक अलग तरीके से मेज़र करेंगे। अगर हम उसको वेट को नापना है तो हम उसकी अलग तरीके से वेट नापेंगे। एक ही सेंस में हम उससे मेज़र नहीं कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है इसमें इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मेज़रमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन बिहेवियरल साइंस, इज़ डिफ़िकल्ट। ये डिफ़िकल्ट भी होता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है। ट्रेड्स इज नॉट डायरेक्टली मेजर बाय स्केल, बट ट्रेड्स इज़ इनडायरेक्टली मेजर बाय बिहेवियर।
हम उनके बिहेवियर में अगर चेंज देख रहे हैं तो हम उनको मेज़र कर सकते हैं कि उनकी लर्निंग किस तरीके की हुई है, उनके लर्निंग के अकॉर्डिंग हम उन्हें मेज़र कर सकते हैं। अब आता है टॉपिक फंक्शन ऑफ मेज़रमेंट। फंक्शंस ऑफ मेज़रमेंट्स में आते हैं, सबसे पहला है रिसर्च, मतलब कि अनुसंधान। हम रिसर्च के अकॉर्डिंग यह पता लगा सकते हैं कि इंडिविजुअल का मेज़रमेंट कैसा है। जैसे कि मापन का उपयोग अनुसंधान में भी किया जाता है, इस संबंध में आस्थना और अग्रवाल ने लिखा है कि अनुसंधान में परीक्षणों का व्यापक उपयोग होता है, उन्हें नियंत्रित समूह में प्रयोगात्मक समूह दिया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है क्लासिफिकेशन, कि उनका वर्गीकरण किस तरीके का होगा। थर्ड पॉइंट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एंड द फोर्थ वन इज़ कंपैरिजन, तुलना करना। अब क्या है मेज़रमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है? तो मेज़रमेंट की सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, मेजरिंग इज़ अ फंडामेंटल स्किल ऑफ साइंस। दूसरा है, विदाउट मेज़रमेंट वी कुड नॉट डिस्क्राइब अवर ऑब्जर्वेशन। बिना मेज़रमेंट के हम अपने ऑब्जर्वेशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, हम अपने बिहेवियर में चेंज कैसे हुआ है हम ये नहीं देख सकते। थर्ड पॉइंट है, एग्जैक्ट केयरफुल एंड प्रिसाइज वर्क ऑफ मेजरमेंट लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ इम्पोर्टेंस लॉस। थैंक यू।